हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। हमारे आसपास कई ऐसी हृदय विदारक घटनाएं घटी हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तानी समाज को हिला दिया है। 2006 का निठारी कांड हो, 2008 का आरुषि हत्याकांड हो, या फिर 2019 का केरल का सीरियल किलर कांड हो, जिसमें एक हाउसवाइफ ने अपने पति समेत घर के 6 लोगों को साइनाइड देकर मार डाला था। बाकी अपराधों की तुलना में इस तरह के अपराध हमें ज्यादा भयभीत करते हैं, रूह कपा देते हैं, क्योंकि ये उन मध्यम वर्गीय घरों गली मोहल्लों में घटते हैं जो एकदम हमारे आपके जैसी ही हैं, और जहां इस तरह के क्रूर अपराध होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स दी बुराडी डेथ्स ऐसे ही एक और अपराध को इन्वेस्टिगेट करती है जो कि 2018 में दिल्ली के बुराडी में एक मध्यम वर्गीय घर में घटा था और जिसे देख पूरा देश सिहर उठा था। एक जॉइंट फैमिली के 11 के 11 मेंबर्स ने फांसी लगाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और गली मोहल्ले नाते रिश्तेदारों को भनक भी नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ। पहले शक हत्या का हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और घरों में मिली 11 डायरियों की मदद से पुलिस ने यह स्थापित किया कि एक सामूहिक आत्महत्या थी जो कि अंधविश्वास में सने एक रिचुअल को पूरा करने के दौरान घटी थी। नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज इसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ती है और तमाम लोगों से बातचीत कर एक बेहद जरूरी विषय हमारे सामने रखती है, मेंटल हेल्थ का, जिसके बारे में अगर समाज में शऊर से बात करने का चलन होता तो शायद बुराडी की ये सामूहिक आत्महत्या कभी घटती ही नहीं। वैसे तो ये केवल 3 एपिसोड की डॉक्यू सीरीज है, लेकिन इतना हार्ड हिटिंग ट्रू क्राइम ड्रामा है कि जिसे देखने के लिए दिल और दिमाग दोनों का बहुत मजबूत होना बेहद जरूरी है। कई विचलित कर देने वाले दृश्य इस सीरीज में आपको मिलेंगे और कई सारी जानकारियां आपके रोंगटे बार बार खड़े कर देंगी। ये सीरीज बिंज वर्दी जरूर है, लेकिन इसे केवल टाइम पास मनोरंजन के लिए आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप इस बेहतरीन डॉक्यू सीरीज को देखें तो पूरी तरह ड्रेन हो जाने के लिए, अर्थात खाली हो जाने के लिए एकदम तैयार रहें। इसका सार, इसका सबक कई दिनों तक आपके जहन पर हावी रहेगा। यहाँ ये भी रेखांकित करना जरूरी है कि बुराडी केस से जुड़ा कोई नया खुलासा यह सीरीज नहीं करती है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले ही बाहर आ चुका है उसे ही आगे ले जाकर यह गहराई में एक्सप्लोर करती है और इस क्राइम के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करती है, केस का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करती है। अगर आपने 2018 का बुराडी केस आखिर तक फॉलो किया है और अगर आप सोचते हैं कि पुलिस जांच के अलावा भी इस केस की कोई अनसुलझी गुत्थी है तो वो सब यह सीरीज एंटरटेन नहीं करती है। यानी कि यह सीरीज ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके सामने रखती है और ना ही सतही और गैर जिम्मेदार बात कहती है, बस इस बात को गहरे उतरकर एक्सप्लोर करती है कि 11 लोगों के एक परिवार ने क्यों साथ में आत्महत्या की और किस सदस्य की वजह से वो ऐसा करने के लिए तैयार हुए, और सबसे बड़ा सवाल क्यों और कैसे तैयार हुए। यही अप्रोच कि पूरा परिवार क्यों और कैसे इस खतरनाक रिचुअल को करने के लिए तैयार हुआ, इस डॉक्यू सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है जो इसे फैक्ट से लेस एक जिम्मेदार और शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अपनी पड़ताल के दौरान न सिर्फ ये सच पर से पर्दा उठाती है बल्कि मेंटल हेल्थ से लेकर कई जरूरी मुद्दों पर बात करती है, जैसे कि पैट्रियार्की, मीडिया सर्कस, घरों में बंद महिलाओं की बुरी स्थिति, पढ़े लिखे मॉडर्न बच्चों तक का अंधविश्वास की चपेट में आना, साइकोसिस, कल्ट फॉलोइंग और आखिर में विश्वास और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को पहचान नहीं पाना। देखने में बेहद मुश्किल इस डॉक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा। इसकी निर्देशिका लीना यादव ने एक बेहद मुश्किल केस को बिना एक्सप्लॉयटेटिव हुए बेहद मैच्योरिटी से हैंडल किया है और केस की मुख्य बात को बेहद जहीन तरीके से पकड़ा है। मेरी तरफ से इस ट्रू क्राइम ड्रामा को 3.5 जगमगाते स्टार। रिव्यू सच्चा और खरा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। शुक्रिया।